वेलकम बच्चों। सो लास्ट टाइम हमने देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में कि कैसे हम गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, ठीक है। क्योंकि गैल्वानोमीटर क्या होता है कि वो हमको करंट डिटेक्ट करने में या फिर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम उसको, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि उसकी जो करंट मेजरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। अब उसको उसकी कैपेसिटी को अगर बढ़ाना होता है, ठीक है, तो हमने कुछ अरेंजमेंट करी थी और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया था एमीटर में। आज बच्चों उसी प्रकार हमारे पास गैल्वानोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, मतलब गैल्वानोमीटर क्या करेगा, ठीक है, जो करंट मेजर तो करता है, साथ ही गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, अगर जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में ये गैल्वानोमीटर है समझो, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस समझो खुद जी है और इसमें से जाने वाला करंट समझो कि आई है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं वी इंटू जी का आई इंटू जी अगर कर लूँ तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेज़र करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस रहे या फिर करंट रहे खुद, ठीक है, क्योंकि करंट क्या होता है वो कम कैपेसिटी का करंट मेज़र करेगा। सो अगर करंट अगर कम होगा तो वी भी क्या हो जाएगा, कम होगा, मतलब इसकी जो वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या रहेंगी, कम रहेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मुझे ज़्यादा वोल्टेज अगर मेज़र करना है तो फिर मैं सिंपली हमारे जी से मेज़र नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे थोड़ी सी और अरेंजमेंट बढ़ानी पड़ेंगी ताकि मैं इसकी वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकूँ, ठीक है। और इसीलिए हम गैल्वानोमीटर से क्या बनाते हैं, वोल्ट मीटर बनाते डिजायर्ड वोल्टेज मेजर करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे वोल्टेज अगर वी मेजर करना है, जो ज़्यादा वोल्टेज होगा उसको मेजर करना है, तो सिंपल इसको समझते क्या है कि हमारे पास वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। अब फिलहाल आर के जगह पे कौन आएगा, जी, ठीक है। तो जी क्या है, उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा, अगर मैं इस करंट जो है वो तो है, ठीक है, लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस को अगर बढ़ा पाऊँ तो, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस को अगर बढ़ा दिया तो सिंपली हमारा वी भी बढ़ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर हमको गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। लास्ट टाइम में हमने क्या किया था, एमीटर बनाते समय गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस और कम किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाए। अब मान लीजिए कि करंट वही है हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना है तो लास्ट टाइम में क्या किया था, एक स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस जिसको हमने शंट कहा था, पैरेलल में जोड़ा था। अब हम क्या करना है हमको कि आर को अगर बढ़ाना है तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ेंगे कि किसके साथ में, गैल्वानोमीटर के साथ। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास में क्या है, ये गैल्वानोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी है। अब इसमें से जाने वाला जो करंट है समझो वो आई करंट आ रहा है और जी में से जा रहा है, इसलिए मैं इसी को आई जी नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है ताकि आपकी वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को इसके साथ सीरीज में जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं इसी के साथ में क्या कर दूँगा, सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस समझो वो क्या है, आर है, यहाँ पर जोड़ देता हूँ। अब आपको ये चीज़ अच्छे से मालूम है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। तो जो करंट हमारा इसमें से जा रहा वही करंट आगे बढ़ेगा, मान लीजिए कि वो IG ही है, ठीक है, तो R में से भी उतना करंट जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे फिलहाल में हमारे पास में अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, आपको मालूम है पोटेंशियल अगर मेज़र करना है, ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल समझो क्या है हमारे पास में, यहाँ से यहाँ तक V है, ठीक है। तो पोटेंशियल मेज़र करने के लिए क्या होता है कि सेल के साथ में उसको पैरेलल में जोड़ना पड़ता, ठीक है। हम वोल्ट मीटर तैयार कर रहे उसके लिए गैल्वानोमीटर के साथ में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना। आप बोलेंगे सर अभी आपने पैरेलल की बात की, मैंने वोल्ट मीटर की बात की, जो सर्किट में लगाते समय सेल को पैरेलल जोड़ना पड़ता, मैं वोल्ट मीटर बनाते समय की बात नहीं कर रहा हूँ, बनाते समय रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर इतना अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में इतने पोर्शन में अगर बात करते हैं तो गैल्वानोमीटर है, तो यहाँ पे इतने पोर्शन पे जो तैयार होगा वो समझो VG है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वानोमीटर। अब अगर यहाँ से आगे अगर बढ़ते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे इधर में क्या है, R है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ VR, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, या फिर सिंपली रेजिस्टेंस R का है, ठीक है। और दोनों के बीच में अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखूँ तो वो V हो जाएगा, तो फिर V इज इक्वल टू क्या होगा, VG प्लस VR होगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VG प्लस VR, ठीक है। चलो अब हमको क्या करना है कि वो रेजिस्टेंस कितना हम जोड़ेंगे ताकि हमको डिजायर्ड वोल्टेज
मेजर करने के लिए सुविधा निर्माण हो। ठीक है, तो हमारा अभी काम है कि हम आर को निकालें। जैसे लास्ट टाइम में हमने शंट यानी एस को निकाला था, आज हम क्या करेंगे, आर को निकालेंगे। और आर किसके ऊपर डिपेंड करता है वो हम चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या किया हमने, एक बार फिर से देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है, हम वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो स्मॉल लेवल पर यानी कम कैपेसिटी वाला होने के कारण हमको अगर ज़्यादा कैपेसिटी का वोल्टेज मेजर करना है तो हम उसको वोल्ट मीटर में बदलेंगे। उसके लिए एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस उस गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, अब दोनों के कॉम्बिनेशन के पास में जो टोटल पोटेंशियल है वो समझो V है, और सिर्फ गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना हो रहा VG, सिर्फ रेजिस्टेंस के पास कितना हो रहा VR। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे करंट सेम रहता और पोटेंशियल डिफरेंस का डिवीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ले लेते हैं। लेट क्या बोला था हमने, जी क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, उसके बाद में आर क्या है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या हमारे पास में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आई जी क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, क्या कहेंगे यहाँ पर हम, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में वी जी क्या है, तो हम बोलेंगे वी जी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के पास है पूरा लिखना। ठीक है, वी आर क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ठीक है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस यानी आर बोल सकते हैं। ठीक है, सो क्या बोलेंगे, और वी क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी वी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, अक्रॉस द सर्किट, जो भी आप सर्किट लेंगे वहाँ पर। ठीक, अब क्या बोलेंगे हम, इन सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सेम रहता है, करंट, और किसका डिवीजन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे हम, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लिखेंगे कि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर इन सीरीज। हाँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो उसका डिवीजन क्या होगा, वी इज इक्वल टू वी जी प्लस वी आर, यानी यहाँ लिखेंगे वी जी प्लस वी आर। ठीक है, चलो अब आपको ये तो मालूम है कि V इज इक्वल टू आई इंटू क्या होता है, R, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर VG है, तो VG यानी क्या हो जाएगा, IG और G। ठीक है, यानी यहाँ पे करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस खुद G है, प्लस VR, तो यही करंट आगे भी बढ़ रहा है, यानी करंट वही है IG, लेकिन रेजिस्टेंस क्या लेंगे हम, R लेंगे। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते जाओ, तो V इज इक्वल टू दोनों में से IG को कॉमन निकालते, यहाँ पर बचेगा G प्लस R। ठीक है, चलो अब आपको क्या निकालना था, मैंने कहा R निकालना है, तो पहले IG को भेज दो इधर, सो V अपॉन क्या होगा, IG इज इक्वल टू G प्लस R, और फाइनली R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय IG, ठीक है, माइनस G। देखो G को हम ट्रांसफ़र करेंगे, यानी अब देखो आप यहाँ पर क्या चीज़ है, तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी आ गया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले G जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा, और नहीं भी मालूम है तो मीटर ब्रिज में केल्विन मेथड से हम G को फाइंड कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात IG क्या है, तो IG है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये तो आपको मालूम रहेगा कि उस गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, वो मालूम रहेगा, और उसके बाद जो V है, ठीक है, देखो स्टार्टिंग में IG जो करंट है, IG करंट के अनुसार अगर G से मल्टीप्लाई करो तो जो VG है ये इसकी कैपेसिटी है, जो कि थोड़ी स्मॉल है, हमको बढ़ाकर उसको क्या करनी थी, V, यानी जो V है ये डिज़ायर्ड वैल्यू है। अब आपको इसको कितने होल्ड के लिए बढ़ाना है तो वो वैल्यू आप तय कर लो। ठीक है, उसके बाद G भी मालूम है, IG भी मालूम है, ये सब चीज़ों को सॉल्व करके यू कैन फाइंड द R, और एक बार आपको R की वैल्यू मिल गई, ठीक है, किसके लिए, डिज़ायर्ड वोल्टेज के लिए, अब उसको आप क्या करो, गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस में जोड़ दो, तो वही गैल्वेनोमीटर, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा आपका बन जाएगा वोल्ट मीटर। यानी जैसे अब मैंने आपको लास्ट टाइम में गैल्वेनोमीटर बताया था, वैसा ही एमीटर होता है, वैसा ही वोल्ट मीटर, उतना ही डब्बा मिलेगा आपको, लेकिन उस डब्बे के अंदर में पूरे के पूरे सिस्टम को बनाया जाता, और वो डैमेज वगैरह नहीं होना चाहिए।
तो आपको क्या देगा, वो वोल्टेज मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा वो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एमीटर के लिए देखा था, यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं कि मान लीजिए कि पहले हमारे पास में क्या है, वीजी है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है गैल्वेनोमीटर, वो कितना है, वीजी है, और इसको मुझे यन टाइम्स बढ़ाना है, ठीक है। कितने टाइम्स करना है, यन टाइम्स, ठीक है। यन टाइम्स बढ़ाकर मुझे वी बनाना है। इसका मतलब मान लीजिए कि हम क्या करेंगे कि वी हैव टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर इन द रेंज ऑफ वी विच इज यन टाइम्स द वीजी। यानी अब हम बोलेंगे कि इफ वी इज इक्वल टू क्या है, यन इंटू वीजी है, यन टाइम्स उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी है, तो वी के जगह पे क्या रखेंगे, यन, ये वीजी अपॉन ये क्या आ जाए, आई जी माइनस यहाँ पर जी, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले जब हमने देखा था, देखो वीजी इज इक्वल टू क्या रहता, वीजी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी होगा, तो यहाँ वीजी के जगह पे रखेंगे आई जी इंटू जी अपॉन आई जी, ठीक है, माइनस जी, ठीक है। अब ये आई जी कैंसिल करो, सो यन जी माइनस जी, इसीलिए जी को कॉमन निकालो, तो जी इज इक्वल टू यन माइनस वन हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू यहाँ से भी हमको मिलेगा, अब ये उससे भी थोड़ा सा सिंपल हो गया, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम एमीटर में देखा था, यहाँ पर भी वैसा ही है, वहाँ पर जी अपॉन यन माइनस वन मिला, यहाँ पे जी इंटू यन माइनस वन मिला। यानी अब सिंपली क्या करना है, आपका जो पहले वीजी है यानी गैल्वेनोमीटर जो वोल्टेज मेजर करता है उसको आपको कितने टाइम्स बढ़ाना है, वो यन आपको मालूम, मान लीजिए मुझे 10 टाइम्स बढ़ाना है, तो यन की वैल्यू 10 हो जाएंगे, 10 माइनस वन 9 हो जाएंगे। अब 9 से जो भी जी है आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई कर दो और जो वैल्यू मिलेंगे वो वैल्यू हो जाएंगे आपके आर, उस आर को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दो तो आपको सीरीज में तो गैल्वेनोमीटर बन जाएगा आपका वोल्ट मीटर। यानी उतने डिजायर्ड वैल्यू तक, उस रेंज तक आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज मेजर कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा सिंपल सा गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। बस इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखिए कि करना क्या है। एमीटर बनाते समय हमने शंट लगाया था, यानी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर बनाना है तो सिंपल ध्यान में रखेंगे कि जो हाई रेजिस्टेंस है उस हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ दो तो आपका बन जाएगा वो वोल्ट मीटर। ऐसी छोटी छोटी अरेंजमेंट से हमारा गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो सकता है एमीटर में और वोल्ट मीटर में, ठीक है। सो इस तरह से हम यहाँ पर काम करते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर बनाने का, ठीक है बच्चों। सो आप इसको अच्छे से स्टडी करिए और यहाँ पर हमारे अबाउट नियर अबाउट सभी टॉपिक्स यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे कवर होते हैं हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसके, ठीक है। और एक आध छोटी मोटी जो चीज़ें बचती है जो थोड़ी थियोरेटिकल है तो आप वहाँ से पढ़कर उसको समझ सकते हैं, जैसे वोल्ट मीटर एमीटर इनके बीच का डिफरेंस होता है, उसके बाद में जैसे पोटेंशियोमीटर है उसका प्रैक्टिकल अप्लीकेशन क्या है, तो वहाँ पे एक दो एग्जांपल्स वगैरह वो आपको पढ़ते पढ़ते ध्यान में आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज के पीछे में जो क्वेश्चंस है जो आपके सिलेबस के हैं, ठीक है, तो आप उसको घर पे सॉल्व करते रहिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम जाती है तो बताइए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।